हाँ दोस्तों, वैसे तो जो ये सक्सेसफुल गेमिंग फोन्स होते हैं ये मोस्टली हाई प्राइस टैग्स के साथ ही आते हैं, बट 2021 में एक फ्लिप देखने को मिल गया है। पोको F3 GT ने सारी स्पॉटलाइट को अपनी तरफ कर लिया है एंड इसमें लिटरली वो सब है जो आप एक मिड रेंज बजट गेमिंग फोन से एक्सपेक्ट करके चलते हो। इनफैक्ट इसका कैमरा सेटअप भी काफ़ी शानदार है, बट सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता, राइट? यहाँ पे पोको F3 GT के भी अपने कुछ कॉन्स हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ये वाली वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पोको F3 GT का एक फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर 30 डेज। मैंने पोको F3 GT को ओवर अ मंथ प्रॉपरली यूज़ किया और एक चीज़ जो ऑलरेडी क्लियर है वो ये है कि F3 GT फ्लैट आउट एक गेमिंग फोकस्ड स्मार्टफोन है और ये आपको फर्स्ट लुक्स में देखते ही पता चल जाएगा। स्पेशली दीज गेमिंग ट्रिगर्स जो कि पोको ने आउट ऑफ द वे जाके इंक्लूड किए F3 GT में इन दिस प्राइस रेंज। बट अगर आपको एक मिनिमलिस्ट डिजाइन वाला फोन पसंद आता है जैसे कि नॉट 2, तो हो सकता है आपको F3 GT इतना अच्छा ना लगे, बट जिनको प्रॉपर गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए था या जिनको प्रॉपर गेमिंग एस्थेटिक्स पसंद है उनके लिए F3 GT एक काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर फ्लैश का डिज़ाइन भी देखें तो ये भी गेमिंग इंस्पायर्ड है, आप देख ही सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल वियर एंड टीयर की बात करूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं सच बताऊँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रफली यूज़ किया F3 GT को एंड मैं यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ सच में। यहाँ पर जो ओवरऑल मेटल फ्रेम है विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, उसने बचा लिया फ्रॉम एनी मेजर स्क्रैचेस। मैंने F3 GT को अपनी पॉकेट में भी रखा मोस्टली विद माय बाइक कीज एंड उस वजह से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक दो स्क्रैचेस आ गए हैं, बट मेरे ख्याल से इतने स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं। और एक और बढ़िया बात यह है कि जब आप गेमिंग नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि ये गेमिंग ट्रिगर्स छुप जाएं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं ताकि ये गेमिंग ट्रिगर्स को आप हाइड कर सकें। एक और छोटा सा एडिशन है बट वो ओवरऑल F3 GT के लुक को काफ़ी एनहांस कर देता है और वो है LED लाइट अराउंड द कैमरा रिंग। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एस्थेटिक लग रही है। सो मुझे ऐसा लगता है पोको ने डिज़ाइन के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी इस बारी। अदरवाइज फॉर डे टू डे यूजेज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगा F3 GT, बट भाई इतना कुछ इंक्लूड करना था डिज़ाइन में, इससे हल्का क्या ही बनाते। अब जिन लोगों को अभी तक पोको फोन्स के डिस्प्ले से शिकायत थी वो भी पोको F3 GT सारी कंप्लेंट्स दूर कर देता है। F3 GT का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और विविड है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कलर्स काफ़ी पंची लगेंगे। यहाँ पर ऑन फुल ब्राइटनेस F3 GT का AMOLED डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया निकल के आता है एंड आपको सच में मज़ा आ जाएगा। इट फील्स सो गुड फॉर मीडिया कंजम्पशन। इनफैक्ट जो यहाँ पे वाइट एलिमेंट्स भी हैं वो भी बहुत ब्राइट निकल के आते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे डे टू डे लाइफ में फील हुई कि जब भी मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था द डिस्प्ले गेट्स ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डार्क हो जाती है, और ऐसा शायद से इसीलिए है क्योंकि F3 GT का डिस्प्ले कंट्रास्ट हैवी है। इसका मतलब ये कि जब भी आप लो ब्राइटनेस करते हैं तो जो डिस्प्ले पर विजिबल होता है वो इतना बढ़िया निकल के नहीं आता। अब सनलाइट लेजिबिलिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिस्प्लेस को जज करने में एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पर F3 GT के डिस्प्ले ने मेरा वहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। मैं काफ़ी ईजिली यूज़ कर पाया F3 GT को भरी धूप में भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अनलाइक माई iPhone वहाँ पर यार काफ़ी प्रॉब्लम आती है टेम्पर्ड ग्लास के साथ। इनफैक्ट यहाँ पर 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हो या फिर स्क्रीन में कोई लैग आ रहा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ थे। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है। मैंने F3 GT को अराउंड लास्ट 3-4 हफ्तों में 30 टाइम्स के आसपास फुल चार्ज किया होगा। सो मान के चलो कि एक दिन में आपको एक बार तो चार्ज करना पड़ ही जाएगा नो मैटर वॉट। अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसकी बैटरी 1.5 दिन 2 दिन चल जाएगी, सच बता रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल मत मानना उनकी बात। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। बट एक चीज जो मुझे काफी सही लगी एंड मैं ये बताना भी चाहता हूँ, इन कंपैरिजन टू अदर फोन्स यहाँ पर F3 GT में गेमिंग के टाइम पर बहुत ही मिनिमल बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। ऑल इन ऑल यहाँ पर F3 GT अराउंड 6-6.5 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर कर देगा ऑन मीडियम यूजेज एंड दैट टू इसमें गेमिंग इंक्लूडेड है। एंड फाइनली आई एम इम्प्रेस्ड कि पोको ने भी इस बार सुपर फास्ट 67 वॉट्स की चार्जिंग इंक्लूड करी यहाँ पर F3 GT के साथ। सो फर्स्ट 50% तो सिर्फ 15 ही मिनट में चार्ज हो जाता है, बट जो आगे वाला 50% है वो स्लाइटली स्लो चार्ज होता है एंड इसको ओवरऑल चार्ज करने में अराउंड 48 से 50 मिनट्स लग ही जाते हैं।
और इस दौरान फ़ोन हीटअप भी अच्छा खासा हो ही जाता है। अब एक और बहुत छोटी सी चीज़ जो मुझे देखकर बहुत अच्छा सा लगा वो यहाँ पर थी एल शेप चार्जिंग केबल जो कि पोको ने दी है F3 GT के बॉक्स में। काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी कंफर्टेबल अगर आपको गेमिंग करते करते F3 GT को चार्ज करना है तो, बट मैं सच में रिकमेंड नहीं करूँगा फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस। अभी तक आपको पोको F3 GT कैसा लग रहा है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सी, यहाँ पर मैं सिंथेटिक टेस्टिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, अंतुतु बेंचमार्क, गीक बेंच स्कोर्स, ये सब आई एम श्योर ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली में रियल लाइफ में पता चले कि F3 GT कैसी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसीलिए मैंने ओवर 100 ऐप्स इंस्टॉल करी F3 GT में एंड मैं टोटली शॉक्ड था टू सी द रिजल्ट्स। ऐप लोड टाइम में अब काफ़ी फर्क आ चुका है पहले से, और अब जब मैं यहाँ पर एक के बाद एक ऐप्स को यहाँ पर खोल रहा हूँ, मल्टीपल ऐप्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हल्का सा वो लैग फील हो रहा है। अब अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप हमारा F3 GT का एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट देख सकते हैं, मैं ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा। पोको F3 GT एक पावरफुल डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ आता है। इसमें BGMI ओवरऑल काफ़ी स्मूथ था, परफॉर्मेंस ड्रॉप यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिला मुझे। मैगलेव ट्रिगर्स और 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ तो सिस्टम और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और मज़ेदार हो जाता है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट हियर। अब अगर मैं CPDT टेस्ट यानी कि स्टोरेज स्पीड्स को यहाँ पर कंपेयर करूँ आज से और 3-4 हफ्ते पहले से, तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है इस वक्त रीच स्पीड, जब मैंने फ़ोन की स्टोरेज को ऑलमोस्ट 40-50 GB तक भर दिया है। एंड आउट ऑफ द 6 GB रैम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3.3 GB रैम ही अवेलेबल रहती है, और वहीं अगर आप गेमिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी अराउंड सिर्फ 2 GB रैम ही बचती है। अगर मैं यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग रिजल्ट्स की बात करूँ तो वो अभी भी काफ़ी इंप्रेसिव रहते हैं आफ्टर 1 month ऑफ यूजेज। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कहीं ना कहीं तो थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगी, बट ऑल टुगेदर यहाँ पर कोई ओवर ईटिंग या फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिली। एंड इवन आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ BGMI F3 GT इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता। पोको F3 GT का ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया है, बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। यहाँ आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फेल्ट कि जो साउंड है वो मोस्टली नीचे वाले पोर्शन से ही आ रही है, क्योंकि इसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर नहीं है। यहाँ पर जो सेकेंड स्पीकर है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। बाकी F3 GT में सारे इंपॉर्टेंट ऑडियो सर्टिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डॉल्बी एटमोस और हाई रेज ऑडियो, जो कि ऑडियो एक्सपीरियंस को और कमाल का बना देते हैं विद मल्टीपल साउंड प्रोफाइल्स। बट एक और चीज़ है जो कि अलग से मुझे काफ़ी पसंद आई, वो है ट्रिपल माइक सेटअप। जो थर्ड माइक है उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है, जो कि कॉलिंग और गेमिंग आपका ऑलमोस्ट सारे पर्पसेस सॉल्व कर देती है, एंड यहाँ पर इंश्योर करती है कि रिसीवर एंड पे ऑलमोस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑडियो जाए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फ्लैगशिप किलर फोन से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक्सपेक्ट करके चलते होंगे, बट बिलीव मी जो पोको ने F3 GT में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर वेट और ऑयली हैंड से भी इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है, और मैं तो इसे 100% सक्सेस रेट ही बोलूँगा। हाँ, बल्कि यहाँ पर जो फेस अनलॉक है उसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहता है, कई बार मिस कर जाता है। अब अगर मैं लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट की बात करूँ तो पोको F3 GT में लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट आया था 29 जुलाई को, उसके बाद अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पर मैं एक कैमरा अपडेट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अभी तक ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है। एक और सॉफ्टवेयर का पार्ट जो कि सिस्टम सिक्योरिटी पर नज़र रखता है वो है MIUI का एक एडिशनल लैंडिंग पेज, जो कि हर बार पॉपअप हो जाता है जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एक न्यू ऐप डाउनलोड करते हो तो। अब वैसे तो ये है चेक करने के लिए कि इफ़ द ऐप इज सेफ और नॉट, बट यार जब गूगल का एक खुद का ही प्ले स्टोर प्रोटेक्ट फीचर है तो शायद से ये एडिशनल ऐड से भरी हुई स्क्रीन हटाई जा सकती थी, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड करते हो बैक टू बैक थोड़ा सा ये इरिटेटिंग हो जाता है।
एटलीस्ट पोको फोन्स में इसको अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे MIUI 12 का न्यू कंट्रोल सेंटर लगता तो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है मुझे, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं ओल्ड यूज़ करूँ कि न्यू यूज़ करूँ, क्योंकि जब मैं न्यू यूज़ करता हूँ तो मुझे डेडिकेटेडली बिल्कुल राइट साइड पे जाके खोलना पड़ता है कंट्रोल सेंटर, और नोटिफिकेशंस के लिए मुझे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे जाके नोटिफिकेशंस पैनल खोलना पड़ता है, बट जो ओल्ड वाला था उसमें सब कुछ एक साथ आ जाता था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसीलिए कन्फ्यूज हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोको ने एक छोटी सी गलती कर दी, और आई वुड से पोको ने मिस कर दिया। यहाँ पर F3 GT को बनाया तो एक डेडिकेटेड मिड रेंज गेमिंग फ़ोन, बट यहाँ पर एक बढ़िया सा डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया कोई भी। वही ओल्ड स्कूल आपको MIUI Redmi के फ़ोन्स वाला उठा के दे दिया है गेम टर्बो मोड। यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को नहीं मिलते, एक्सेप्ट बस एक फीचर ऐड हुआ है कि आप एयर ट्रिगर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, एंड दैट्स इट। अब वैसे तो मोस्टली सारे ही फ़ोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ आ ही रहे हैं, यहाँ पर F3 GT में भी आपको 5G फीचर देखने को मिल जाता है, बट जब भी 5G आएगा तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बैंड सपोर्ट करेगा, ये N77 एंड N78, सब 6GHz 5G बैंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 4G कैरियर एग्रीगेशन की तो वो काफ़ी इंप्रेसिव था। यहाँ पर डे टू डे यूजेज में मैंने नोटिस किया कि इवन इंडोर वर्क एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छा 4G प्लस सिग्नल काफ़ी सस्टेन्ड था, मतलब स्टेबल कनेक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ पहले वीडियोस में बताया है आपको कि कई फोन्स में 4G प्लस सिर्फ बाहर जाने पर ही दिखता है, ऐसा F3 GT में नहीं था। यहाँ पर अगर मैं 4G प्लस की स्पीड्स की बात करूँ वो भी मुझे कंसिस्टेंटली 40 से 60 Mbps की देखने को मिली, और जैसे कि मैं बता ही रहा था कि ये सिर्फ एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, यहाँ पर जो कैमरा है उस पर भी पोको ने एटलीस्ट पुराने पोको फ़ोन से तो ज़्यादा मेहनत करी है F3 GT में। जैसे ही आप ये पोको F3 GT के कैमरा से ली हुई पिक्चर्स देखोगे आपको इंस्टेंटली लगेगा कि ओवर शार्पनिंग हो ही रखी है। F3 GT का कैमरा मोस्टली वार्मर टोन्स को बढ़ावा देता है, जस्ट लाइक यू सी इन दिस शॉट ऑफ द बिल्डिंग, जहाँ ट्रीज, विंडोज सब स्लाइटली ज़्यादा कंट्रास्ट के साथ है। इवन यहाँ पर ट्रीज और फ्लावर्स का कलर्स भी ओवर प्रोसेस्ड लगता है मुझे तो। अगर मैं आउटडोर लाइटिंग में कलर्स की भी बात करूं तो ये कावासाकी निंजा जिस दिस ने रियल लाइफ में देखी है उन्हें पता ही होगा कितना नेचुरल ग्रीन कलर होता है, वहीं यहाँ पर F3 GT के कैमरा ने इसे काफ़ी ज़्यादा डार्क ग्रीन कर दिया, मतलब कंट्रास्ट बढ़ा दिया बहुत ही ज़्यादा, बट यहाँ पर डिटेलिंग से मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ ओवरऑल। अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट मुझे इतना डिटेल्ड नहीं लगा, यहाँ पर कुछ कुछ कमी देखने को मिल जाती है। इवन पोर्ट्रेट शॉट्स में ओवर शार्पनिंग देखने को मिल जाती है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट का हो या फिर ह्यूमन पोर्ट्रेट, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। क्लियरली मेरी स्किन टोन को रेडिश सा कर दिया है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को ऐसा ही पसंद आता होगा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट सेल्फीज तो वहाँ भी मैं तारीफ ही करूँगा, चाहे आउटडोर लाइटिंग में हो या इनडोर लाइटिंग, डिटेल्स काफ़ी सही हैं विथ प्रॉपर एज डिटेक्शन एज वेल। बट वेट, इट्स स्टिल नॉट ओवर येट। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पोको F3 GT में मिसिंग रह गई, एंड आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे दे देनी चाहिए थी। यहाँ पर आपने तो बनाया एक गेमिंग बजट फ़ोन, राइट, बट आप 3.5mm का ऑडियो जैक देना भूल गए, जो कि मोस्ट ऑफ द गेमर्स को काफ़ी पसंद रहता है, उनको वायर्ड ऑडियो हेडफोन्स कनेक्ट करने की आदत रहती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को भी नहीं मिलता, जिसका मतलब यह है कि आप इसकी स्टोरेज भी एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप 30,000 रुपीज़ वाला वेरिएंट लें, जिसमें आपको 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। अब इसके अलावा एक और फीचर जो कि सॉफ्टवेयर फीचर है वो इंक्लूड किया जा सकता था, वो है स्मार्ट स्विच या फिर वेरिएबल स्क्रीन रिफ्रेश रेट फीचर, जो कि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता ही है, जैसे कि OnePlus 9R, जिसकी वजह से जो आपका डिस्प्ले है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाती है। जैसे पोको F1 अपने टाइम का चैम्पियन था, वैसे ही F3 GT के साथ मुझे लगता है पोको ने फ्लैगशिप किलर सेगमेंट में कमबैक कर दिया है। देखो वैसे तो कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, नॉट इवन एक्सपेंसिव iPhones, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए पोको F3 GT बनाया गया है, द यंग गेमर्स, द जेन Z, उनको ये परफेक्टली सूट करेगा।
एंड मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करने वाला हूँ पोको F3 GT उन लोगों के लिए जो एक वैल्यू फॉर मनी गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे। वैसे काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते ही हैं, इनफैक्ट हर प्राइस रेंज में इतने सारे फोन्स अवेलेबल हैं। यहाँ भी आपको पोको F3 GT के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है OnePlus Nord 2, iQOO 7, Realme X7 Max, इनफैक्ट अब तो Realme GT Master Edition भी आ चुका है एंड Mi 11X as well। तो ये काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, बट पोको F3 GT उन लोगों के लिए जिनको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए था और उनको हैवी गेमिंग भी करनी थी एंड डिसेंट कैमरा सेटअप के साथ उनका गुजारा हो जाए। बट आई रियली वॉन्ट टू नो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पोको F3 GT सस्टेन कर पाएगा इस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में, मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको पोको F3 GT ऑल इन ऑल कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। और हाँ, अगर आप पोको F3 GT या फिर कोई भी और नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप नया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली खरीदना भी चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, बट अगर आपको उसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचें कैशिफाई पर, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा घर बैठे आपके पुराने फ़ोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए